दोस्तों जैसे कि आप सबको पता ही है कि अगर कोई छोटा मोटा एस्ट्रॉइड यानी कि एक ऐसा पत्थर जो आउटर स्पेस से आया हो अगर वो हमारी पृथ्वी में एंटर कर जाता है तो वो धरती पर पहुंचने से पहले ही राख हो जाता है हमारे एटमॉस्फेयर में घुसते ही। और अगर कोई पत्थर खुशकिस्मती से धरती पर पहुंच भी जाता है तो वो कुछ खासा नुकसान नहीं करता है, घंटा फर्क नहीं पड़ता। पर 15 फरवरी 2013 को एक 19 मीटर चौड़ा मीटेराइट रशिया के चेलियाबिंस्क नाम की जगह पर गिरा तो इसने करीब 3000 लोगों को घायल किया और 7500 घरों को नुकसान भी पहुंचाया और वातावरण में इतनी ज्यादा भयंकर रोशनी की जो कि सूरज से 3 गुना ज्यादा थी और इतना ज्यादा बड़ा और भयंकर धमाका किया। क्योंकि वो आवाज की गति से भी ज्यादा रफ्तार से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था, मतलब उससे भी 20 गुना ज्यादा रफ्तार से, तो उस पत्थर ने ऐसी आवाज निकाली कि सारी कांच खिड़कियां टूट गई, बिखर गई। और एस्टिमेटेड $30 मिलियन का नुकसान किया। दोस्तों सोचो, सिर्फ 19 मीटर चौड़ा मीटेराइट इतनी ज्यादा तबाही ला सकता है तो बड़े से बड़े एस्ट्रॉइड जो कि 10 से 20 किलोमीटर बड़े होते होंगे वो पृथ्वी का क्या हाल करेंगे। दोस्तों क्या आपको पता है कि अगर हम इस पेपर प्लेन को अंतरिक्ष में उड़ाए तो क्या होगा, और इसी प्लेन को अगर हम ISS मतलब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से पृथ्वी की ओर फेंके तो क्या होगा। और क्या आपने कभी गुब्बारों का ऐसा नजारा देखा है, या फिर क्या आपको इस फोटो का राज पता है कि आखिर इस फोटो में क्या राज छुपा हुआ है। नहीं पता ना, आप भी ऐसे उड़ने लग जाओगे अगर इन राजों के बारे में आपको पता चल गया। दोस्तों आज की वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना क्योंकि इस एपिसोड का नाम है क्या बात है। हेलो व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम अमृतपाल सिंह एंड यू आर वॉचिंग बदमाश आइकॉन। तो ज्यादा टाइम का चुतिया ना करते हुए चल गुरु हो जाए शुरू। दोस्तों क्या आपको पता है कि साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग अगर अपने घर जितना हमारा घर होता है जितना बड़ा, उतना बड़ा एस्ट्रॉइड उतना बड़ा पत्थर अंतरिक्ष से हमारी पृथ्वी के ऊपर गिरे तो क्या होगा। सोचा है कभी दोस्तों, हमारे घर जितना बड़ा एस्ट्रॉइड पृथ्वी पर गिरता है तो 1 किलोमीटर के एरिया में जितनी भी बिल्डिंग्स और घर है वो सारी फ्लैट हो जाएंगी, बिल्कुल फ्लैट, बिल्कुल ऐसा हो जाएंगे ऐसे। और अगर वही एस्ट्रॉइड 20 मंजिल जितनी बड़ी बिल्डिंग जितना हो तो 7 किलोमीटर के एरिया में जितनी भी बिल्डिंग्स और घर हैं वो सारे के सारे फ्लैट हो जाएंगे, सारा का सारा कचरा हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट जिस एस्ट्रॉइड ने डायनासोर का नामो निशान मिटाया था वो सिर्फ 14 किलोमीटर बड़ा था और उस एस्ट्रॉइड ने एटमॉस्फेयर में ऐसी आग लगाई इतनी ज्यादा गर्म कि डायनासोर का पकवान बन गया, वो अंदर से जल गए थे। मतलब कहने का सेंस ये है कि अंदर तक जल गए थे, जैसे कि हम किसी चिकन को ओवन में रखते हैं बिल्कुल उसी तरह। ऐसा कोई एस्ट्रॉइड अगर आज पृथ्वी पर गिरता है तो अरबों लोगों की जान स्वाहा। और उन्हीं साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग पूरी पृथ्वी को तहस नहस करने के लिए, मतलब टुकड़े टुकड़े करने के लिए 100 किलोमीटर बड़ा एस्ट्रॉइड काफी है, पर खच्चे उड़ जाएंगे पृथ्वी के। पर घबराने की बात नहीं है, ऐसे एस्ट्रॉइड आज तक साइंटिस्टों को मिला नहीं है जो पृथ्वी पर ऐसा गिर जाए। पर हाँ, सूरज के इर्द गिर्द कुछ ऐसे एस्ट्रॉइड हैं पर वो सूरज आने नहीं देगा उन्हें, हमें सूर्य देवता पर पूरा भरोसा है। अगर साइंटिस्टों को ऐसा एस्ट्रॉइड पृथ्वी की ओर आते हुए मिला भी तो साइंटिस्ट उसकी डायरेक्शन चेंज कर देंगे, किससे, न्यूक्लियर वेपन से फोड़ डालेंगे। क्यों, घूम गया ना दिमाग, जैसे आईपीएल में बैट्समैन का बल्ला घूमता है। आईपीएल से मुझे याद आया कि मैंने तो एमपीएल पर टीम बनाई थी, देखे जरा कैसे चल रहा है। कौन सी और कैसी टीम, मेरी फैंटेसी टीम। एमपीएल के फैंटेसी कॉन्टेस्ट में अपनी टीम चुन सकते हैं अगर मेरे चुने हुए प्लेयर्स मैच में अच्छा खेलते हैं, जिससे मेरे पॉइंट ज्यादा बनेंगे और मैं ज्यादा पैसा जीतूंगा। जी हाँ, सही सुना, पैसे जीतने को मिलेंगे। ऊपर से एमपीएल फैंटेसी पे अभी 3 करोड़ का कॉन्टेस्ट हर दिन लाइव है और फर्स्ट रैंक वाले को 30 लाख मिलेंगे और कुछ कॉन्टेस्ट पे तो सभी गारंटेड इनाम जीतेंगे। आप भी अपना फोन उठाओ, वैसे तो उठाया हुआ है, हाँ अगर उठाया हुआ है तो एमपीएल पर फैंटेसी टीम बनाओ, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। अब बात करते हैं इस रहस्यमय फोटो की। दोस्तों आपको स्क्रीन पर एक ग्रिड टाइप फोटो दिख रही होगी, इस ग्रिड फोटो पर आपको 12 ब्लैक डॉट्स दिख रहे होंगे और आपको इन डॉट्स पर फोकस करना है और मुझको कमेंट में बताना है कि आपको क्या अजीब लगा। अब होगा आपके सामने एक जादू, इस फोटो पर किसी भी डॉट पर फोकस करो, टाइम स्टार्ट्स नाउ। बिल्कुल भी ध्यान नहीं हटाना है, देखते रहना है उस डॉट को जिस पर आपका फोकस है, हटाना नहीं है।
आपका टाइम यही खत्म होता है। कुछ पता चला, कुछ पल्ले पड़ा? अब तक तो पता चल ही गया होगा। दोस्तों आपका दिमाग आपके ही साथ ट्रिक खेल रहा है, खेल खेल रहा है। जैसे ही आप किसी डॉट पर फोकस करते हो तो ऑटोमेटिकली आप तीन डॉट पर फोकस कर रहे होंगे। आपका दिमाग एक डॉट की बजाय तीन डॉट पर फोकस करवा रहा है, तो बाकी के डॉट्स जो ग्रिड में दिख रहे हैं वो ऑटोमेटिकली आपकी आंखों के सामने से गायब होने लगे हैं। नहीं समझ में आ रहा ना, तो फिर से एक डॉट पर फोकस करो। आपका दिमाग ऑटोमेटिकली तीन डॉट्स पर फोकस करेगा और बाकी के सारे गायब कर देगा। 5 सेकंड देता हूं। दोस्तों ये भी ट्रोक्सुलर इफेक्ट जैसा ही है, जिसे मैं इस वीडियो में बता चुका हूँ। उस वीडियो में जिस फोटो को मैंने आपको दिखाया था उसमें उस डॉट पर फोकस करने पर अनवांटेड कलर्स को आपका दिमाग मिटा रहा था और इसमें डॉट्स को मिटा रहा है जो हमारी आंखों के फोकस में नहीं आते। फोकस को थोड़ा सा दूसरी ओर शिफ्ट करते ही हमें सभी डॉट्स दिखने लग जाते हैं। देखिए हमारा दिमाग ही हमें वो चीज दिखा नहीं रहा जो हम देखना चाहते हैं, मतलब जो हमारे सामने है। अब फिर से मैं इस वीडियो में पॉलिटिक्स को नहीं घुसाना चाहता हूँ। वैसे बहुत लोग नाराज चल रहे हैं मेरे से, पॉलिटिक्स को घुसेड़ेंगे धीरे धीरे, अभी नहीं, रुक जाओ। कुछ लोग पूछ रहे हैं ना सब्सक्राइबर क्यों नहीं बढ़ रहे आपके। मैं पिछले 2-3 महीनों से 1-1.5 लाख सब्सक्राइबर खो चुका हूँ। मुझे फिक्र नहीं है उनकी, मुझे ऐसे सब्सक्राइबर्स चाहिए भी नहीं जिनकी आंखों के ऊपर पट्टी बंधी हुई हो। हमें फॉलोअर्स खोने का डर नहीं है, हमें सिर्फ मजे लेने हैं। चलो फिर से टॉपिक पर आते हैं। दोस्तों आपने बचपन में कभी ना कभी तो कागज वाले जहाज उड़ाए ही होंगे। मुंह में मार रहा है। और आपने उड़ाते उड़ाते ये भी देखा होगा कि वो थोड़ी दूर जाते ही नीचे गिर जाते हैं। वो देखो कितना गिरा हुआ जहाज है। वो इसलिए गिरते हैं क्योंकि हमारे गोला में एटमॉस्फियर है और गुरुत्वाकर्षण अलग। दोस्तों सोचो अगर हम इसी पेपर प्लेन को एक ऐसी जगह उड़ाएं जहां पर ना तो एटमॉस्फियर हो और ना ही ग्रेविटी। जी हाँ, वो है स्पेस। तो क्या होगा? स्पेस में एटमॉस्फियर ना होने की वजह से ये प्लेन उसी रफ्तार से चलेगा जिस रफ्तार से मैं इसको अपने हाथ से फेंकूंगा। और स्पेस में ये प्लेन जिंदगी में कभी भी नहीं रुकेगा, हमेशा चलता ही रहेगा, उड़ता ही रहेगा, मतलब अनलिमिटेड, कभी भी नहीं बंद हो सकता है ये, हमेशा उसी रफ्तार से ही चलेगा जब तक कि ये प्लेन किसी पत्थर से टकरा नहीं जाता। स्पेस में काफी पत्थर हैं, या फिर किसी ऐसे गुरुत्वाकर्षण वाले ग्रह के संपर्क में नहीं आता, तब तक ये उड़ता ही रहेगा। और गाइस वहीं अगर हम अपने ऑर्बिट के अंदर जहां पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, अगर मैं वहां से इस प्लेन को पृथ्वी की ओर फेंकूं तो ये प्लेन कुछ साल पृथ्वी के ऑर्बिट के चक्कर ही लगाता रहेगा। अब मुझे नहीं पता ये कितने साल का पीरियड होगा। और जब ये धीरे धीरे कुछ सालों बाद हमारे वातावरण में, मतलब एटमॉस्फेयर में एंटर करेगा, तो ये कुछ ही किलोमीटर के बाद जलकर राख हो जाएगा और इसकी राख भी नहीं मिलेगी। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। दोस्तों बचपन की बातें चल ही रही हैं, तो एक बात बलून्स पर भी हो जाए, यानी कि गुब्बारों पर। दोस्तों हीलियम के गुब्बारे आपने बचपन में बहुत उड़ाए होंगे। वो ऊपर क्यों जाते हैं ये भी सबको पता है, आपको नहीं पता क्या? अरे क्योंकि उसमें हीलियम गैस होती है, क्योंकि वो सबसे हल्की गैस होती है। लेकिन इन हीलियम के गुब्बारों ने एक बार क्लीवलैंड शहर वासियों के नाक में दम कर दिया था। 27 सितंबर 1986 Literally millions of balloons will be released on public square, which will set a world record. क्लीवलैंड ओहायो यूएस यूनाइटेड वे नाम की एक चैरिटी फाउंडेशन ने 15 लाख गुब्बारों को एक साथ हवा में छोड़ा, जिसकी वजह से उनका एक ही जगह से इतने ज्यादा गुब्बारे हवा में छोड़ने का रिकॉर्ड बना। पर वो रिकॉर्ड वहां के लोगों के लिए मुसीबत बन गया। जब वो गुब्बारे किसी और तरफ जा रहे थे तो एकदम से वहां पर तूफान आया और वो वापस से सारे गुब्बारे उड़ते हुए क्लीवलैंड शहर की ओर बढ़ गए और उन गुब्बारों ने सड़कों पर कब्जा जमा लिया। उस दिन उन गुब्बारों की वजह से 2 लोगों की जान गई, कई गाड़ियों के एक्सीडेंट हुए और बहुत सारे घोड़े भी घायल हुए, और कुछ गुब्बारे तो पटाखों की तरह फूट फूट कर नीचे गिर रहे थे। गुब्बारे छोड़ने के एक दिन पहले जो तूफान आया था उससे कई लोग समंदर में बह गए थे, तो रेस्क्यू टीम वालों को अपना रेस्क्यू भी कैंसिल करना पड़ा क्योंकि अंदाजा लगाना मुश्किल था कि कौन सा गुब्बारा है और कौन सा एक इंसान का सर, जिसकी वजह से यूनाइटेड वे चैरिटी फाउंडेशन के ऊपर बहुत सारे लोगों ने केस भी दायर किए और यूनाइटेड वे को मिलियंस ऑफ डॉलर का जुर्माना भी पे करना पड़ा और बनाओ वर्ल्ड रिकॉर्ड। गाइस अब क्लीवलैंड शहर के लोग गुब्बारे के नाम से भी डरते हैं। डरने से मुझे याद आया कि एक ऐसा फोबिया, बार बार लोग भी कहेंगे, गाइस डरने से याद आया कि एक ऐसा फोबिया भी है जिससे लोगों को गुब्बारों से डर लगता है और उस फोबिया का नाम है ग्लोबोफोबिया। मतलब अगर आप में से भी किसी लोगों को गुब्बारों से डर लगता है तो आपको ये वाला फोबिया है जो मैंने अभी बताया। और यही नहीं गाइस, मुझे बुलाया। अरे मुझे ये बता कि एमपीएल पर गेम्स क्यों है, इनका क्या फायदा? लो कर लो बात, फायदा ही फायदा है, ला फोन पकड़ा। ये देख मैं तुझे रनर 1 नंबर वाला गेम खेल के दिखाता हूँ।
ये ले जीत गए ना 2000, जाके कुछ खरीद ले। रुक मोबाइल का कवर ही खरीद ले, क्या जुलूस बना रखा है फोन का। हट गाइस, एमपीएल में 50 से भी ज्यादा गेम्स हैं और इन गेम्स को खेलकर आप रोजाना पैसे जीत सकते हो, हजारों में और लाखों में भी जीत सकते हो। और जीते हुए पैसे यूपीआई या पेटीएम से विड्रॉ करवा लो और ऐश करो। तो करो ना डाउनलोड करो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। दिस गेम इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव, प्लीज प्ले रिस्पांसिबली एंड एट योर ओन रिस्क। गाइस, क्या आप इन रूफस भैया को जानते हो? है तो ये एक कंगारू, पर इसके शौक बहुत तगड़े तगड़े बड़े बड़े हैं। रूफस जब 8 महीने का था तो वो किम हेवुड के घर आया अचानक से, जो कि पंपकिन पैच कंगारू सेंचुरी में रहते हैं। उन घर वालों की उस कंगारू से ऐसी यारी पड़ी कि वो कंगारू रोजाना एग्जैक्टली 5-6 बजे उनके घर आता, फिर अपने सोफे पर बैठकर टीवी का लुत्फ उठाता था। जी हां, उसे स्पेशल काउच भी दे रखा था, यहां पर आके तू बैठेगा। और गाइस, वो कंगारू पप्पियां और जप्पियां दोनों देता था, क्या यारी है। और फिर रात के वक्त उसे दूसरे कंगारुओं की तरफ छोड़ दिया जाता था। वाह बड़ा कंगारू। गाइस, इसका तो इंस्टा पर पेज भी है, इंस्टा पर फॉलोवर। अरे तुम भी फॉलो कर लिया करो, फिर से मैं 4 महीने बाद कह रहा हूँ, पहली बार 4 महीनों बाद कह रहा हूँ, इंस्टा पे फॉलो कर लो। जाओ, कंगारुओं के फॉलोवर बढ़ रहे हैं यार, इंसानों के नहीं बढ़ रहे। नहीं तो गाइस, कैसी लगी आपको आज की वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ठोको। और अब मैं आपसे एक सवाल पूछने वाला हूँ, इंटेलिजेंट बंदे वाला ये, तो आ जाओ जीनियस बंदे पर। सवाल पूछने से पहले आज का लाइक एम रख लेते हैं। आज का लाइक एम है 1,40,000 लाइक्स, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, विश्वास है, मेरा भरोसा मत तोड़ना, तो ठोको लाइक। तो ये रहा आज का सवाल। गाइज, अगर हम 5 में से 2 निकाल लेते हैं तो उसका आंसर 4 आता है, मतलब 4 आता है, कैसे? यही है सवाल। आ जाओ जीनियस बंदे, ये बहुत ही आसान सवाल है और मुश्किल भी। अगर जिसको इसका आंसर पता है तो नीचे कमेंट कर दे, नहीं तो कमेंट में आपको या डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाकर आराम से इसका उत्तर देख सकते हो, आपको वीडियो मिल जाएगी इसके उत्तर के साथ। और जब आप इसका आंसर देखोगे तो शायद मुझे, मैं सच बताऊं तो आप शायद दिमागी रूप से कहोगे कि गया, कुछ हो गया, ये कैसे हो सकता है, खत्म। तो जाओ इंस्टाग्राम पर, ये रहा यूजर नेम अमृतपाल सिंह BWT। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर ठोको, आज का लाइक एम तो मैंने मांग लिया तो ठोको लाइक। और बोरिंग जिंदगी से छुटकारा पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाली टल्ली भी दबाएं ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको मिल जाए, क्योंकि जो भी है सिर्फ यही है और कहीं नहीं। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में महाकाल के आशीर्वाद से। तो बिना गाली दिए ओके बाय।